अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ और आप देख रहे हैं टेक आईटी मास्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त और दिलचस्प किस्म की वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं। जी तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे दोस्तों को परेशानी होती है कि उनका बैलेंस जो होता है वो डिडक्ट होता है जैज़ वालों की तरफ से, और जैज़ कंपनी जो है वो बैलेंस आपका काट लेती है इंटरनेट अनहोनी की सूरत में। फ़र्ज़ करें आपका एक चीज़ का इंटरनेट पैकेज है, सोशल चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और साथ में आपके कुछ पैसे पड़े हुए हैं अकाउंट में, तो वो उसकी जो डिडक्शन हो जाती है उससे बचा कैसे जा सकता है, ओवर जो चार्जेस होते हैं वो बचा किस तरह सकते हैं आप, इस वीडियो में हम आपको तफसील के साथ बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना। हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स, आपने बेल आइकन को प्रेस करके आल पे क्लिक कर देना है। हाँ जी, तो दोस्तों मैं आपको दो ज़बरदस्त किस्म के कोड्स बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप जैज़ का बैलेंस सेव भी रख सकते हैं और सीक्रेट वैलेट में भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला कोड जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, अपने डेल पैड में आ जाना है। सबसे पहले आपने डायल करना है *275#, *275# मिला लेना है फ्रेंड्स आपने उस सिम में जिसमें आपका बैलेंस पड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आपका कोई सोशल पैकेज है या आपका इंटरनेट पैकेज लगा हुआ है और आपको डर है कि आपका बैलेंस पड़ा हुआ है, जैसे ही आपका इंटरनेट पैकेज ख़त्म होगा तो आपका बैलेंस जो है वो ख़त्म ना हो जाए, तो उस जो है हिफाजत के लिए आपको ये कोड मिला लेना चाहिए। इसका ये फ़ायदा होगा फ्रेंड्स कि जैसे ही आपका इंटरनेट पैकेज ख़त्म होगा आपका जो बकाया बैलेंस है वो सेव रहेगा, इंटरनेट चलना जो है वो ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि हमारे पास जैसे ही बैलेंस हमारा पैकेज ख़त्म होता है तो जो बैलेंस खड़ा होता है उसके साथ इंटरनेट चलना शुरू हो जाता है बेसिक रेट पे। तो ये जो डेटा बेस रेट होता है ना, MBs के कुछ मतलब रेट्स उनके तय होते हैं कंपनी के, अलग अलग पैकेज पे अलग अलग रेट होता है, तो ये वो सर्विस जो है वो ख़त्म कर रहे हैं कंपनी वाले इस पैकेज को लगाने के बाद। वो उठा देंगे हमसे जो डेटा बेस ओवर चार्जेस था या ओवर एज को सिस्टम था उसको हटा दिया उन्होंने हमारा ये कोड मिलाने के बाद। अब हमारा जो बेसिक पैकेज है जैसे ही वो ख़त्म होगा हमारा इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा, लेकिन हमारा जो बैलेंस होगा वो सेव रहेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग चीज़ है, आपने कोड जो है दोबारा से नोट कर लेना है, वीडियो को बैक करके भी दे सकते हैं आप। मैं आपको दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ, *275# *275# मिला के अपना बैलेंस जो है वो आप सेव कर सकते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, दूसरा जो हमारा कोड है वो है *869#। इस कोड को मिला के फ्रेंड्स हम एक सब्सक्रिप्शन हासिल कर लेते हैं जिसके ज़रिए हमारा एक वैलेट बन जाता है अलग से, जो हमारा नॉर्मल बैलेंस होता है हम उसको अपने वैलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो अपना बैलेंस आप वापस ले सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, वैलेट में अगर हमारा बैलेंस पड़ा होगा तो हमारा जो कॉल पैकेज वगैरह ख़त्म होता है तो कॉल पे जो हमारा टैक्स या कॉल चार्जेस जो पड़ रहे होते हैं वो उससे बचत हो जाती है, हमको पता चल जाता है कि हमारा पैकेज, चाहे वो मैसेज पैकेज हो चाहे वो कॉल पैकेज हो, हमें पता चल जाता है कि वो हमारा पैकेज ख़त्म हो चुका है, तो हम अपने वैलेट से जो अमाउंट है वापस अपने नॉर्मल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, प्रोसेसिंग हो रही है फ्रेंड्स, अभी आपके सामने आ जाएगा, आपकी दरख्वास्त पर अमल किया जा रहा है। दोस्तों, इस तरह का आपको मैसेज आएगा जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन हासिल कर लेंगे, आपने इसको ओके कर देना है और दोबारा से कोड मिला लेना है *869#। फ्रेंड्स, जैसे हम दोबारा इसको मिलाएंगे कोड को तो अब हम हमारे पास जो मेन्यू है वो चेंज होके शो हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास कंप्लीट मेन्यू आ चुका है, आपका सीक्रेट बैलेंस RS 0.0 है और रकम जो है मेन अकाउंट में हमारी पड़ी हुई है, इस अकाउंट में जो सीक्रेट हमारा अकाउंट है इसमें हमने ट्रांसफ़र नहीं की है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि रकम डालने का ऑप्शन है और रकम निकालने का ऑप्शन है। अगर आप अपने मेन अकाउंट से रकम इसमें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप अपनी रकम इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप इसमें से रकम निकालना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है, सर्विस ख़त्म करने का ऑप्शन तीसरे नंबर पर मौजूद है। तो अभी मैं रकम डालने वाला जो सिस्टम है वो अभी करके दिखाता हूँ आपको। दूसरे बैलेंस में रकम डालने के लिए जो है अपनी अमाउंट लिखें, तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक अमाउंट पुट कर देता हूँ ₹500। आपको दूसरे बैलेंस RS 2 से ज़्यादा और 500 से कम होना चाहिए। तो दोस्तों, आप इसमें 100 से ज़्यादा नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, तो मैं 100 कर लेता हूँ।
ये तो फ्रेंड्स मैंने अमाउंट आपके सामने डाल ली है, अभी मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। *869 हैश पे अभी देख सकते हैं आप, मेरा बैलेंस जो है वो शो हो चुका है 100 रुपये। देखें आप सीक्रेट बैलेंस में, तो 100 से ज़्यादा फ्रेंड्स आप इसमें ऐड नहीं कर सकते, तो 100 ही डाला है मैंने। अभी आपके सामने ही मैंने 100 एंटर किया था, तो मेरी 100 जो अमाउंट है इस सीक्रेट बैलेंस में ऐड हो चुकी है। तो दोस्तों ये मेरा बैलेंस जो सिक्योर हो चुका है, कभी भी मुझे अगर इमरजेंसी पड़ती है, मेरे पास जैज कैश में लोड बैलेंस नहीं पड़ा होता या मेरे पर्सनल में लोड नहीं है, तो मैं यहाँ से अपना 100 जो है वापस ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। 1 रुपये प्लस टैक्स पड़ेगा इसमें मुझे रकम का जो ट्रांसफरिंग सिस्टम है वो करने में, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर हमारा 100 का 100 ही चला जाता है बगैर पैकेज के, तो वो ज़्यादा नुकसान होता है। 1 रुपये का टैक्स जो है वो हमको जो है ना समझ में आता है। तो दोस्तों आप भी इस चीज़ से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी हमेशा की तरह आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो के नीचे लाइक का बटन होता है, इसको प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए। शेयर करने से हमारी हौसला अफज़ाई होती है, हम आपके लिए नई से नई वीडियो लेके आते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।